अरे क्या 100% पूरी आत्मा बन गए क्या? बाबा भी जो मुरली में शिशुपाल के लिए बोला जो सामने गाली देता था, हाँ तो वो भी अभी इसमें, वो बच्चों को पालने वाला था ना, शिशु माने बच्चा, बच्चा बुद्धि माने जो ब्रह्मा की तरह ज्यादा समझदार बच्चे नहीं थे, ज्ञान की गहराई को, एडवांस ज्ञान की गहराई को समझते ही नहीं थे, छोटे छोटे बेसिक के बच्चे हैं। उनके जो दीदी दादी दादाएं हैं ना, उन दादाओं में कोई ऐसे भी पावरफुल हैं जो न समझने के कारण भगवान को सामने आकर के भी अपने अहंकार में गाली दे देते हैं, जानते ही नहीं, अपने मर्तबे को पहचानते हैं कि हम किसको पालने वाले हैं, किसको पालने वाले हैं, हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियों की पालना करने वाले बड़े दादा हम हैं। तो अहंकार होगा तो गाली देंगे कि नहीं देंगे? बाबा भी जो एडवांस में एनएस का संगठन जो तैयार हो रहा है दिल्ली में, तो ये मुरली बोला कि तुम बच्चे इस सृष्टि पर परमधाम को उतार लेंगे, तो क्या वो लोग भी वहां पहुंचेंगे या दिल्ली में रहेंगे, क्या होगा? अरे एनएस जिसका नाम नया संगठन दिया गया है, एन माने नया, एस माने संगठन, तो जो नया संगठन है वो एडवांस की दुनिया के नए संगठन को पालने वाला है या नहीं है? नए संगठन को पालने वाला है, और नए संगठन को पालने वालों में से ही नई दुनिया की स्थापना करने वाले निकलेंगे या बाहर से निकलेंगे? हैं? वहीं से निकलेंगे, इसलिए वो ही काशी नगरी है। क्या? काश्य, काश्य माने याद का तेज जिसमें भरा हुआ है। शंकर की प्यारी नगरी दिल्ली नहीं है, बंबई नहीं है, कलकत्ता नहीं है, कौन सी प्यारी नगरी है? काशी नगरी। क्यों? क्योंकि शिव बाबा को क्या प्यारा है? हैं? ज्ञान ज्यादा प्यारा है, योग ज्यादा प्यारा है, सेवा ज्यादा प्यारी है, धारणा ज्यादा प्यारी है, हैं? पवित्रता भी काय से, पवित्रता तो है ही नहीं किसी में, बड़े बड़े साधु सन्यासियों में ही पवित्रता नहीं है, वो भी जंगल में चले जाते हैं, डरते हैं साथ में रहने से। याद काई से प्यार है? अरे जिसके पास जो चीज होती है उसका उसको नशा रहता है। शंकर को किस बात का नशा रहता है? याद का नशा है उसके पास, तो उसको प्यारा भी कौन लगेगा? जो याद में रहने वाला होगा वो ही प्यारा होगा, तो उसका नाम पड़ा है काशी, हैं? काश्य अर्थात तेज से भरपूर नगरी, ऐसी भरपूर नगरी याद में कि हिरण्याक्ष जैसा असुर सारी पृथ्वी को पाताल में ले जाता है गड्ढे में, लेकिन काशी नगरी को पाताल में नहीं ले जा सकता। दुर्वासा क्रोध में आ गए, मैं इस काशी नगरी को शापित कर देता हूं, तुरंत शिव बाबा प्रकट हो गए, इसको कोई शापित नहीं कर सकता, ये मेरी प्यारी नगरी है। अगर काशी नगरी को ही शापित कर देंगे तो फिर नई दुनिया की पालना कौन करेगा? नेपाल का फाउंडेशन डालने वाली तो काशी नगरी है। और बाबा टूलेट का मतलब क्या है? काशी नगरी में जाने के लिए क्या करें ताकि पहुंचे वहां जल्दी से जल्दी? काशी नगरी में जो अपने को सरेंडर समझते हैं, फुल सरेंडर या सरेंडर हुए हैं, वो ही पहुंचे हुए हैं या कोई नॉन सरेंडर भी पहुंच गया है? दुनियादारी से जिनका मोह टूट गया वो पहुंचे हुए हैं
ये जिनका मोह लटका हुआ है वो पहुंचे हुए हैं। कौन पहुंचे हुए हैं? मोह जिनका छूट गया, दुनियादारी से जो जिन्होंने सब कुछ नाता तोड़ दिया, वो पहुंचे हुए। तो हमारे ज्ञान का आखिरी लक्ष्य क्या है? नष्ट मोह स्मृति लब्ध। मोह नष्ट हो जाए तो स्मृति आ जाएगी कि कहाँ किसका संग करना चाहिए, किसके साथ रहना चाहिए, कौन से घर में पहुंचना चाहिए। उस घर की निशानी आज भी मौजूद है। क्या जो भी नया मकान बनाते हैं देश में विदेश में, तो चारों तरफ से पर्दे से ढक देते हैं। पहले नहीं ढकते थे, अभी क्या करते हैं? ढक देते हैं। ये गुप्त राजधानी स्थापन करने का फाउंडेशन वाली बात है। क्या नई दुनिया का फाउंडेशन लगाया जा रहा है, तो गुप्त स्थापना हो रही है। और तो बाबा ये माउंट आबू में तो नहीं जाएगा एनएस का? माउंट आबू में तो नहीं जाएगा? क्यों? सारी दुनिया में नहीं फैलेगी? माउंट आबू में नहीं फैलेंगे? एनएस वाली आत्माएं कोई एक स्थान से बंधी हुई हैं क्या? है एक बाप से बंधी हुई हैं या स्थान से बंधी हुई हैं? है बाप से बंधी हुई हैं। बाप से परिवार बंधा हुआ है। बाबा टू लेट का मतलब क्या? टू लेट का मतलब ये है कि अभी लेट तो हुआ है, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है अभी। क्या अभी पद नीचा तो हुआ है, 76 में ही बोल दिया था नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी, पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। सन 76 के लिए ही बोल दिया था लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन हो जाएगा। मन के अंदर स्थापन हो जाएगा या स्थूल में स्थापन होने की बात थी? हर काम पहले दुनिया का सूक्ष्म में संपन्न होता है या बड़े रूप में संपन्न होता है? क्या सूक्ष्म में संपन्न होता है? अब समझ में आया? क्या समझ में आया? आपने क्या प्रश्न किया? टू लेट। तो 76 में से ही सबको टू लेट हो गया, क्योंकि लक्ष्मी नारायण का पार्ट तो उस टाइम से ही खुल गया। ऐसे बाबा ने 10 साल पहले 66 की मुरली में ही बोल दिया था। इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। तो 76 आता है, 76 में वो आत्माएं प्रत्यक्ष हो गई एडवांस ज्ञान के द्वारा। तो लेट तो हो गया। हमारा लक्ष्य क्या है जीवन का? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना। तो लेट तो हो गया लेकिन टू लेट नहीं हुआ। उसके बाद 3 मूर्तियां भी प्रत्यक्ष हो गई। ब्रह्मा कौन, विष्णु कौन, शंकर कौन, जिनकी यादगार में झंडा उठाते हैं, झंडा ऊंचा रहे हमारा। अरे कपड़े के झंडा से कोई थोड़े ही विजय हो जावे कि विश्व विजय करके दिखलावे? कपड़े का झंडा विश्व विजय करता है क्या? कपड़ा माने शरीर, कोई शरीर रूपी 3 वस्त्र हैं, 3 प्रकार की क्वालिटी के। ब्रह्मा की क्वालिटी, विष्णु की क्वालिटी और शंकर की क्रांतिकारी क्वालिटी, लाल रंग का झंडा कपड़ा। ये 3 मूर्तियां हैं चैतन्य में, जिन्होंने सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त की है। उनकी यादगारी ये कपड़ा का झंडा उठाते हैं, वो समझते हैं कपड़े के झंडे ने विश्व विजय की, लेकिन ऐसा नहीं है। तो टू लेट का मतलब है कि एक भी प्रत्यक्ष हुआ, 3 भी प्रत्यक्ष हुए, और उसके साथ साथ अब चौथा मणका भी प्रत्यक्ष हो गया काशी नगरी। क्या अष्ट देवताओं में से पहला तो शिवशंकर भोलेनाथ खुद ही हो गया, और दूसरा काशी नगरी। तो कितने टोटल प्रत्यक्ष हो गए? 3 और 2 5 आत्माएं प्रत्यक्ष हो गई। अभी भी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है।
चाहे तो फर्स्ट क्लास जो रिजल्ट निकलता है 108 की माला का, 108 निकलेंगे फर्स्ट क्लास पास होने वाले, तो जन्म जन्मांतर फर्स्ट क्लास में सफर कर सकते हो क्या? आठ जो हैं वो तो फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन वाले हो गए अष्टदेव, वो भी अभी पूरे प्रत्यक्ष नहीं हुए, तो टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन से ऊंचा तो कोई होता ही नहीं है। आजकल ट्रेन में एयर कंडीशन में 3 टायर निकला है, 2 टायर निकला है और 1 निकला है उससे भी ऊंचा केबिन। क्या केबिन में पूरा ही सुरक्षित, पूरी ट्रेन लुटने लगे वो अंदर से बंद कर लेंगे, कुछ पता नहीं चलेगा, कोई अंदर जा ही नहीं सकेगा। फुल प्रूफ। 8 हैं, उनमें से 2 ही प्रत्यक्ष हुए हैं अभी, अभी 6 प्रत्यक्ष होना बाकी हैं, तो टू लेट हो गया क्या? अभी भी टू लेट नहीं है, लेट का बोर्ड लगा है, टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। और विराट रूप कैसे थे? विराट रूप का मतलब है जिसमें जानवरों जैसे पार्ट बजाने वाले भी प्रत्यक्ष हो जाएं। विराट रूप में जानवर दिखाए जाते कि नहीं? कोई का जानवरों जैसा चेहरा है, राक्षस भी प्रत्यक्ष हो जाएं। अभी चेहरे तैयार हो रहे हैं, कोई राक्षस का पार्ट बजाने वाले, कोई खूंखार जानवरों का पार्ट बजाने वाले। भक्ति मार्ग में मान्यता थी ना, मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में जाती है, तो 84 लाख योनियों में जाती है मनुष्य की आत्मा, या 84 लाख योनियों जैसे पार्ट बजाती है? क्या करती है? 84 लाख योनियों जैसे पार्ट बजा सकती है, लेकिन 84 लाख योनियों में नहीं जाती। आत्मा भी एक तरह का बीज है, आम का बीज होगा तो बोया जाएगा तो आम ही बनेगा, बैंगन बन जाएगा? आम का बीज तो आम ही बनेगा। जानवर की आत्मा जानवर का ही जन्म लेगी, मनुष्य की आत्मा पाप कर्म भोगने के लिए दूसरी योनियों में क्या जाने की दरकार? दूसरी योनियों में तो इतनी इंद्रियां ही नहीं होती हैं सुख दुख भोगने के लिए। मनुष्य में ज्यादा इंद्रियां होती हैं या जानवर कीड़े मकोड़ों में ज्यादा इंद्रियां होती हैं? इंद्रियां ज्यादा किसमें होती हैं? इंद्रियों से सुख भोगा जाता है, दुख भोगा जाता है, या बिना इंद्रियों के? इंद्रियों से सुख दुख। तो ज्यादा इंद्रियां हैं तो सुख दुख भी मनुष्य ज्यादा भोगेगा या जानवर ज्यादा भोगेगा? मनुष्य ज्यादा सुख दुख भोगता है, इसलिए मनुष्य का जन्म मनुष्यों में ही होता है। पाप कर्म करेगा तो मनुष्य का जन्म लेकर के ही ज्यादा से ज्यादा दुख भोग सकता है, उसको दूसरी योनि में जाने की दरकार नहीं है। और बाबा है 4 महीना देव सो में तो ये क्यों ऐसे क्यों है बाबा? 4 महीना के लिए जो बता मैंने कि देव सो गए 4 महीना के लिए। क्या बोले? 4 महीने 4 महीने बरसात के आते हैं, देवताएं सो जाते हैं बरसात के मौसम में, कब से लेकर कब तक? श्रावण भादो क्वार देव अनुष्ठानी एकादशी, वहाँ उठ जाते हैं। ये संगम युग की तो यादगार है, ये संगम युग की ही तो यादगार है। इस बरसात के मौसम में खूब बरसात हो रही है अभी,
ये श्रावण का महीना है कि नहीं, ज्ञान की बरसात हो रही है कि नहीं है? ज्ञान की बरसात हो रही है। इस ज्ञान की बरसात में पवित्रता की राखी का बंधन ब्राह्मण बांध रहा है। प्रजापिता पहला ब्राह्मण है ना, वो क्या कर रहा है, क्या ज्ञान सुना रहा है, है? कौन सा ज्ञान, ज्ञान का कौन सा सूत्र बांध रहा है? पवित्रता की राखी का सूत्र बांध रहा है। ये आखिरी जन्म रह गया, इसमें भी बहुत कुछ भोग लिया, अब थोड़ा सा टाइम पवित्र रह लो, ये मोह ममता त्याग दो, इच्छा मात्रम अविद्या कर दो, तो तुम्हारा बहुत कल्याण हो जाएगा जन्म जन्मांतर का। ये पवित्रता की राखी ब्राह्मण बांध रहा है। पहले ब्राह्मण ही बांधते थे, पहले जब सत्व प्रधान टाइम था तब कौन बांधते थे, ब्राह्मण ही बांधते थे। यज्ञ के आदि में भी वो ब्राह्मण था, किसी ने पहचाना हो या न पहचाना हो, आदि में भी उसने राखी बांधी थी यज्ञ के अंदर। फिर बाद में लड़कियां भाई को बांधने लगी, क्या अभी क्या कर रही हैं ब्रह्मा कुमारियां, हाँ आपस में एक दूसरे को जाकर के राखी बांध देती है, बांधती है बाबा, लेकिन 10 दिन पहले और 20 दिन बाद तक चलती रहती है राखी। हाँ हाँ वो चलती रहती है, तो चल रही है ना, अभी राखी बांध रही है ना, तो वो पवित्र बनाएंगी क्या, किसी को पवित्रता के बंधन में बांध पाया? फिर वो तो पैसे लेने के लिए, बहने भाइयों को राखी किस लिए बांधती है, पैसे लेने के लिए बांधती है। तो भी रईस लोगों के पास जाएंगी, जो गरीब भैया होंगे उनके पास नहीं जाएंगे। और ये ब्राह्मण तो ऐसा है जो सबको, ये इसका तो नारा है क्या, मैं किसके लिए आता हूँ, गरीब निवाज, ये गरीब निवाज बाप आया हुआ है, कोई दे या न दे इसको देने लेने की परवाह नहीं, और सबको पवित्रता की राखी बांध रहा है। तो श्रावण के महीने में पवित्रता की राखी भी बंध रही है। अभी जल्दी ही 4-6 साल के 8 साल के अंदर कृष्ण जन्माष्टमी भी हो जाएगी। क्या वो कृष्ण नहीं जो बच्चे के रूप में, देह के रूप में सतयुग में पैदा होगा, वो कृष्ण जिसका दुश्मन शिशुपाल कंस जरासिंध थे। सत्युग में कोई दुश्मन होगा क्या, वहां तो कोई दुश्मन होगा ही नहीं, तो वो कृष्ण भी प्रत्यक्ष हो जाएगा, यशोदा भी प्रत्यक्ष हो जाएगी, नंदा बाबा भी प्रत्यक्ष हो जाएंगे। तो कृष्ण जन्माष्टमी भी होने वाली है क्या, हाँ। फिर जब कृष्ण का जन्म होगा तो कंसी जरासंधी मारे जाएंगे कि नहीं, हैं? हाँ, कृष्ण का जन्म होता है पहले और बाद में होता है रामनवमी। किसका जन्म होता है, राम की नवमी, नवदुर्गा पूजन होता है ना, पहले देवियों की धूमधाम होगी, हैं? फिर देवियों की धूमधाम होने के बाद लास्ट में राम की प्रत्यक्षता रूपी जन्म हो जाएगा। राम का प्रत्यक्षता जन्म रूपी, प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ और रावण का मारा जाना, विजयदशमी, क्या 10 विकारों के ऊपर, 5 तत्वों के ऊपर जो तमो प्रधान बने हुए हैं उनके ऊपर विजय प्राप्त हो जाएगी। फिर लास्ट में ज्ञान के दीपक सबके जल जाएंगे, दीपावली। पहले कौन सा दीपक जलाया जाता है, धर्मराज का दिया जलाया जाता है, किसका दीपक जलाया जाता है, धारणा करने वाला जो राजा है वो आत्मा का दीपक जलाया जाता है। धर्मराज का दीपक जलता है, पुरुष एक दीपक से सबके दीपक जगाए दिए जाते हैं। 6-8 वर्षों में बहुत कुछ काम होना है। फिर
फिर देव अनुष्ठानी एकादशी और खेल खलास। आ गया समझ में? नहीं तो ये राजस्थान की परंपराएं हैं, उत्तर भारत में तो ठेठ में ये शब्द सुना ही नहीं हमने है। चलो देवताओं के शास्त्रों में देवताओं को विमान दिखाए हैं, रावण को भी विमान दिखाया है, ये संगम युग में कौन सा इसमें शूटिंग हुआ है? तुम्हारी आत्मा संपूर्ण बनेगी तो क्या मोबाइल लेके घूमोगे हैं? यहाँ बैठे बैठे टेलीपैथी नहीं काम करेगी तुम्हारी हैं? यहाँ बैठे बैठे बिलायत में बैठे ब्राह्मण से बात नहीं कर पाओगे? करोगे कि नहीं? तो ये आत्मा रूपी एरोप्लेन है, ये सारी दुनिया में घूमेगा, मुख्य मुख्य के पास होता है, सबके पास? सबके पास नहीं होता है। या तो पावरफुल असुर हो या तो पावरफुल देवताएं हो। और ये दुनिया में जो शादी होती है उसमें लड़के वाले बारात लेके जाते हैं और फिर वो तोरण करते हैं, तो वो तोरण की क्या प्रथा है? जो तलवार से तोरण मारते हैं तो उसका क्या बीके एडवांस में भी कोई है क्या? तोरण जो होता है, तोरण उसको एक टच करते हैं तलवार से गेट पे, ये क्या चीज है? इसकी शूटिंग यहाँ भी कन्या के कन्या पक्ष में जो जहाँ शादी होती है वहाँ तोरण जो बनाया जाता है उसको तलवार से मारते हैं। तलवार से ज्ञान तलवार से उनका जो तोरण द्वार है वो तोड़ दिया जाता है चंद्रवंशियों का। उनका तोरण द्वार तोड़ दिया और सूर्यवंशियों का तैयार हो जाता है। और सप्तऋषि उन्हें कहा जाता है जो ऋषि माना पवित्र जीवन व्यतीत करते हैं। क्या? जो सतयुग में पहले नारायण के बाद कम कलाओं वाले नारायण होंगे सात, वो ही सप्तऋषि हैं। वो अभी पवित्र जीवन व्यतीत करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में हैं, वो राजा ही नहीं पाते हैं। क्या? राजा ही नहीं पाते हैं। और अष्टदेव, अष्टदेव तो बड़े बड़े राजाएं महाराजाएं बनते हैं, वो सिर्फ सतयुग में बनेंगे कम कला वाले नारायण। उनका कोई गायन, नारायण का कोई कम कला वाले नारायण का कोई गायन नहीं होता, पूजन नहीं होता। होता है पूजन, उनका पूजन नहीं होता, सिर्फ सप्तऋषियों का गायन है, मान्यता है। सप्तऋषि की पूजा ये भादव महीने में क्यों करते हैं, पंचमी के दिन? सप्तऋषि की पूजा भादव महीने में ऋषि पंचमी के दिन करते हैं। हाँ हाँ, जब बादल बहुत ज्यादा डकराते हैं ना, भादव में बादल की गड़गड़ाहट बहुत होती है, तो ये माया रूपी बादल जो है संगम युग में सप्तऋषियों के रूप में बहुत गड़गड़ाते हैं, तो कमजोर आत्माएं उनकी पूजा करने लग पड़ती हैं, समझते हैं यही महान है, उनके कहे में आ जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर उनकी पूजा करने लग पड़ते हैं। बाकी सब जगह उनकी पूजा नहीं होती, मंदिर बना के उनकी पूजा जैसे तुम देवताओं की पूजा होती है, ऐसे यानी साधु संत महात्माओं की पूजा नहीं होती। और अरे गीतापति भगवान गंगापति कहा जाता है क्या? है गीता का तो पति है कौन? भगवान। गंगा का पति कहा जाता है, क्या कहा जाता है? गंगाधर। गंगा के साथ शादी नहीं की, गंगा को धर के बैठ गए। जैसे आजकल मनुष्य कोई लड़की को धरौना करके बैठ जाते हैं ना, ऐसे गंगा का धरौना करके धारण कर लिया तो गंगाधर नाम पड़ गया। गंगा के साथ शादी शादी नहीं होती है। अब चाहे उसको बेटी समझो और चाहे उसको कुछ भी समझो। और बाबा
जब दिल्ली राजधानी बनेगी ना, गंगा अलग और गीता माता अलग। राजधानी जब दिल्ली बनेगी तो बर्फ में डटी हुई आत्माएं जब वापिस चैतन्यता में आ जाएंगी, और बर्फ में डटी हुई आत्माएं होंगी ना, बर्फ में डटी हुई। राजधानी बनेगी तो बर्फ कहाँ से आ गई? विनाश होगा उसके, उसके बाद बर्फ जम जाएगी। जब तक दुनिया में जल प्रलय न हो तो वो दिल्ली कैसे पहुंचेगी? पहले जल प्रलय होगी कि पहले राजधानी बनेगी? जल प्रलय होगी, पहले विनाश होगा, पहले राजधानी स्थापन होगी। जब तक तुम्हारी राजधानी स्थापन नहीं हुई है तब तक विनाश नहीं हो सकता। जल प्रलय तो बहुत बाद की बात है, पहले एटम बम फटे, सूरज खूब जोर से आफताब तपे, ओजोन किरण सारी फटने लगे, दुनिया में खूब गर्मी गर्मी आग उगलने लगे, चारों तरफ समंदर का पानी खौलने लगे, फिर भाप बन के सारा क्या होगा, समंदर ऊपर उड़ेगा, तब ज्यादा भाप चारों तरफ दुनिया से, भाप से ही दुनिया ढक जाएगी। तो बादल बन के बरसेगा कि नहीं? और एक दिन दो चार दिन बरसेगा कि मूसलाधार कई दिन बरसात होगी, इतनी बरसात होगी, इतनी बरसात होगी कि एटम बमों की सारी गर्मी और जो पृथ्वी के अंदर भूकंप निकलेंगे उसमें से ज्वालामुखी फटेंगे, उनकी गर्मी, वो सब तरह की गर्मी सब शांत हो जाएगी। शांति नहीं हो जाएगी, बर्फ ही बर्फ जम जाएगी चारों तरफ, वो बाद की बात है। अभी शूटिंग पीरियड में तो शूटिंग होने दो, स्वर्ग की रचना की है। दिल्ली कैसे पहुंचेंगे? तो वहां पर पहुंच जाओ, ट्रेन आती जाती है, कौन मना कर रहा है? उस समय ट्रेन तो होगी नहीं, ट्रेन होगी नहीं, पहली ट्रेन से बता तो दिया, एक ही ट्रेन चलेगी हर जगह से। जैसे सन 47 में हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो इंडिया की ट्रेनें कराची की तरफ चली और पाकिस्तान की ट्रेनें इंडिया की तरफ चली, तो पहली पहली ट्रेन से जो जो निकल गए सो निकल गए। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को ट्रंकाल आवेगा, तुम बच्चों को, माने देवानी को, देवीमानियों को, मेरा 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 बच्चा, मेरा चच्चा, मेरा लल्ला, उनको आवेगा, किनको आवेगा? जो आत्म की स्थिति में टिके हुए बच्चे होंगे उनको ट्रंकाल आवेगा, और ट्रंकाल सुन के ही वो एकदम पहली गाड़ी पर ही चढ़ जाएंगे, पहुंच जाएंगे। और 47 में पहली ट्रेन से जो निकल गए सो निकल गए कि नहीं? हिस्ट्री क्या कहती है? जो पहली ट्रेन से निकल गए सो निकल गए, बाकी जो दूसरी ट्रेन चली, तीसरी चली, चौथी चली, सब काट डाले गए। तो जो बाबा के बच्चे बनेंगे उनको बाबा सहयोग करेगा, बाबा के बच्चे नहीं बनेंगे, मुख में राम, शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा, हाँ अंदर से चिपके हुए हैं देह के कनेक्शन से, तो फिर उनका थोड़ा ही शिव बाबा बनेगा। और बाबा हमारे वहां तो ट्रेन ही नहीं है तो हम कहां जाएंगे? तुम्हारे घर में ट्रेन ही नहीं है? अरे हमारे घर में तो दो चार ट्रेनें चलती हैं। गांव में नहीं है बाबा? हैं? गांव में नहीं है? अच्छा, तो गांव में बेच बाच के शहर में आ जाओ। आजकल लोग अपनी जमीन जायदाद बेच नहीं देते हैं क्या? बेचते हैं कि नहीं है? अभी तो ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, बेच बाच के और यहाँ जयपुर में आ जाओ, यहाँ बहुत ट्रेनें चलती हैं। बाबा हमारी इतनी जमीन है तो जयपुर में हम ले भी नहीं पाएंगे, कहेगी नहीं, जमीन की कीमत भी नहीं है। कहाँ कीमत कितनी कीमत है? कुछ नहीं है बाबा, 50 है। 50,000? हाँ, बीघा, रुपया बीघा। हाँ, कितनी जमीन है तुम्हारे पास? 40 बीघा। तो 20 लाख की हो गई। 20 लाख में यहाँ एक मढ़िया डालने का मकान जगह मिल जाएगी कि नहीं जयपुर में?
है, झोपड़ी डालने की जगह तो मिल ही जाएगी, और फिर मेहनत करो, कमाओ और खाओ, दुनिया कमाती खाती है, तुम्हें ट्रेन मिल जाएगी, अरे हवाई जहाज भी मिल जाएगा, चिंता क्यों कर रही बाबा, हम काम मेहनत कर पाएंगे। अब इतनी सभा के अंदर बैठ करके अपनी बातें मत किया करो, यहाँ ज्ञान ध्यान की बातें सुनने के लिए बैठी हो या अपनी राम कहानी जपने के लिए बैठी हो, काय के लिए बैठी हो, हैं? ज्ञान की बातें सुनो, सुनाओ। बाबा ये मनुष्य आत्मा है और जीव जंतु की आत्मा है, सेम है या अलग है? आत्मा है, आत्मा सब बिंदी है, उनमें रिकॉर्ड अलग अलग भरा हुआ है। नहीं, फिर जब वो ये जाती है हाँ, दोबारा जन्म क्या उसी में आती है? नहीं, उसी में क्यों आएंगी, माने जो जानवर यहाँ है तो वहां भी आत्मा तो रहेगी, जब उतरेगी तो जानवर में ही प्रवेश करेगी। नहीं, वो आत्माएं भी मालूम में नहीं आती, क्यों आएंगी जब इक्वल है आत्मा तो? इक्वल कहाँ है, उनमें एक रिकॉर्ड में जो गीत भरा हुआ है वो दूसरे रिकॉर्ड में भरा हुआ हो वो जरूरी है? ये आत्मा रिकॉर्ड है, मनुष्य की आत्माओं में मनुष्यों के कार्य व्यवहार भरे होंगे, मनुष्यों की वाणी भरी हुई होगी, मनुष्यों की दृष्टि वृत्ति भरी हुई होगी, जो जानवरों की आत्मा है उनमें जानवरियत का स्वभाव भरा होगा। बाबा जब बाबा सबको लेके जाएगा, सबको लेके जाएगा, तो फिर उनको पवित्र नहीं करेंगे क्या? वो अपने तरीके से पवित्र होंगे। मनुष्य ज्यादा है पवित्र और अपवित्र बन सकता है, ज्यादा ऊंचा और नीचा गिर सकता है, या जानवर ज्यादा ऊंचा और नीचे गिर सकते हैं? ज्ञान किसमें है? तो जानवरों में जब ज्ञान ही नहीं है तो ऊंचे नीचे कैसे उठेंगे? न ज्यादा ऊंचे जाएंगे न ज्यादा, जैसे क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन न ज्यादा सुख भोगते हैं न ज्यादा दुख भोगते हैं, एटम बम फटेंगे और सारे क्रिश्चियन देश सब खलास हो जाए, हिंदुस्तान काटा काटा काट, थोड़ा थोड़ा छुरी से काटेंगे मुसलमान, कितना खराब खून की नदियां बहेंगी। तो यहाँ दुख भी ज्यादा है, तो यहाँ हाँ स्वर्ग का सुख भी ज्यादा है। ये मनुष्य आत्मा ज्यादा से ज्यादा सुख भोगती है, ज्यादा से ज्यादा दुख भोगती है। मनुष्य आत्माओं में भी कैटेगरीज हैं, क्रिश्चियंस की आत्मा न ज्यादा सुख भोगती है न ज्यादा दुख भोगती है, कृष्ण की आत्मा और उनके फॉलोअर्स ज्यादा से ज्यादा सुख भी भोगते हैं और ज्यादा से ज्यादा दुख भी भोगते हैं। क्या सीढ़ी के चित्र तुमने नहीं देखा? हाँ, और मुसलमान क्यों काट रहे हैं वो? कोई मुसलमान क्यों काट रहे? ज्यादा हमारा साथ किसने किया है भक्ति मार्ग से लेकर के अब तक? पहले पहले इस भारत में जब स्वर्ग था तो स्वर्ग के बाद पहले पहले कौन सी कौम आई? हाँ, कौन आया? मुसलमान पहले आए, तो जो पहले आए हैं वो आखिर तक हमारे साथ रहेंगे, सबसे लास्ट में मुसलमान मरेंगे, हमारे साथ साथ मुसलमान मरेंगे। बाबा मानसरोवर में एक ही गीता पाठ चल रहा है, वो भी माता मकान बेच के पंजाब जा रहे हैं, और हम लोग क्या करेंगे, कहाँ करेंगे? दूसरी गीता पाठ चल बनो, ये तो कोई निकला ही नहीं है, बस हम तीन ही रह गए पांच में से, हैं? हम तीन माताएं रह गए बस पांच में। तो तीन माताएं एक दूसरे घर में इकट्ठी हो जाओ, जब तीन ही है तो गीता पाठशाला आएगी, गीता पाठशाला तो पांच पांडवों से बनती है। नहीं, पहले पांच पांडव ही थे, उनके आश्रम खुली हुई थी। हाँ, अब पांच में से दो चलाने वाले चले गए, अब तीन बचे, एक दूसरे के घर अपने सत्संग करते रहो, मिलो बेटो, मुरली सुनो, दिखाओ। बाबा संगठन तो नहीं हुई है, संगठन तो नहीं हुई है, संगठन महीना का संगठन रखो, संगठन जहाँ गीता पाठशाला हो वहाँ संगठन करो। नहीं, लक्ष्मी नारायण बनना है, प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करना है, इनसे कहो पहले अपने पतियों को चलाएं। बाबा फिर साइन वगैरह कहोगे अगर एक दूसरे के यहां से क्लास कर लेंगे? ओ, वो अपने अपना छोटा रजिस्टर बना लो, उसमें साइन करते रहो। तीन पे तो साइन नहीं करते, दस्तखत नहीं करते, है? तीन पे दो पे तो बाबा दस्तखत नहीं करते।
बाबा नहीं दस्तखत, बाबा दस्तखत कर देंगे क्या होगा उससे? दस्तखत कर देने से पांच पांडवों की गीता पाठशाला हो जाएगी? फिर आप तो आप लोगों के करते रहना, बाबा कह रहे वैसे कर लो। हाँ, और बाबा हम कोई जगह लेके सेंटर बनाना चाहें हैं तो क्या नाम रखा जाए? हैं कोई जमीन लेके, जमीन लेके बाबा ने कहा प्रॉपर्टी नहीं बनानी है, हाँ हाँ गीता पाठशाला के लिए जमीन खरीदेंगे फिर उसके ऊपर मकान बनावेंगे, किसी के नाम जमीन खरीदी जाएगी? बाबा उसका नाम क्या रखेंगे? बाबा ऐसा करें ये स्टूडेंट बता रहे हैं कि आपको अपने पास से जमीन देना चाहते हैं, ना तो जमीन चाहिए ना जमीन कोई दे दे तो उसमें मकान भी नहीं बनाया जा सकता। अभी मकान बनाने का टाइम रह गया है, इतने ढेर के ढेर बिल्डिंगें पड़ी हुई हैं, ये सारी टूटने लग पड़ेंगी, तुम्हें मिलने वाली हैं। तो मिट्टी में काहे के लिए पैसा बहाओगे? मिनी मधुबन के लिए, मिनी मधुबन जो है वो ऑटोमेटिक बनेगा या किसी के बनाने से बनेगा? है मधुबन, मधुबन है किसका? मधुसूदन का। अयोध्या में राम मंदिर जनता पार्टी वाले बनाना चाहते हैं। राम मंदिर राम बनाएगा या जनता पार्टी वाले बनाएंगे? मंदिर माने घर। अरे अपना घर है, घर वाला अपने आप बना लेगा। तुम्हारा काम है गीता पाठशाला चलाओ। हाँ लक्ष्य रखो, आज हमारी गीता पाठशाला चल रही है, कल यही गीता पाठशाला हमारा मिनी मधुबन बन जाए। गीता पाठशाला इसलिए मुरली में बोला है, गीता पाठशाला का नक्शा ऐसा बनाओ जो मधुबन दिखाई पड़े। बना? किसने मना किया? और बाबा शिवलिंग की पूजा करते हैं, सूर्य की पूजा क्यों नहीं करते? शिवलिंग, शिवलिंग लिंग थोड़ा ही सूर्य है, क्या लिंग सूर्य नहीं है? सूर्य है उसमें प्रवेश करने वाला बिंदु, वो ज्ञान सूर्य है, वो सूर्य जड़ सूर्य है, लाल लाइट का गोला, आग का गोला है, और ये ज्ञान का गोला है। तुम्हारा प्रश्न क्या है? शिवलिंग की पूजा करें बाबा या की क्यों नहीं करें सूर्य की? सूर्य करते हैं ना, जल नहीं चढ़ाते हैं? हैं? सूरज को जल नहीं चढ़ाते हैं? चढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग में जो सूर्य इस सृष्टि पर आता है, ज्ञान प्रकाश देता है, तो जिसमें प्रवेश करता है उसके ऊपर ब्रह्मा कुमारियों ने कभी जल नहीं चढ़ाया होगा, ज्ञान जल है। अरे चुप क्यों हो गए? ज्ञान सूर्य शिव जिसमें प्रवेश करता है वही तो ज्ञान सूर्य हुआ, प्रैक्टिकल में उसी के द्वारा तो ज्ञान मिलता है। तो उसको ब्रह्मा कुमारियों ने ज्ञान जल चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया? बेसिक ज्ञान सुनाया कि नहीं सुनाया? तो भक्तों ने सुनाया या ज्ञानियों ने सुनाया? वो ब्रह्मा कुमारियां भगत हैं या ज्ञानी हैं? हैं? किस स्टेज में हैं? हैं? भगत हैं? जो बाप को जाने, बाप को माने और बाप के बताए हुए रास्ते पर चले वो है ज्ञानी, और जो बाप को जाने ही नहीं, अपने आत्मा के 84 के पार्ट में से एक जन्म का भी पार्ट का पता नहीं कि हम 84 के चक्कर में आने वाले हैं, सूर्यवंशी हैं या इस्लाम वंशी हैं या बौद्धी वंशी हैं या चंद्रवंशी हैं, पता ही नहीं। तो ज्ञानी तू आत्मा है, वो तो अज्ञानी हो गए। अज्ञानियों को भगत कहा जाता है, वो अंधश्रद्धा पूर्वक पूजा करते रहते हैं,
जिसकी पूजा करते हैं उसको जानते ही नहीं। ब्रह्मा कुमारियों ने प्रजापिता वाले व्यक्तित्व को जब ज्ञान दिया होगा तो जानती थी कि ये भगवान के रूप में संसार में प्रत्यक्ष हो जाता है। जानती है नहीं जानती? बिना जाने बिना माने जल चढ़ाते रहते हैं। वो उनके ज्ञान जल को ग्रहण कर लेगा? सारी दुनिया को जो प्रकाश देने वाला है ज्ञान सूर्य है, सारी दुनिया को जो जल देने वाला ज्ञान सागर है, वो दूसरों से जल लेगा या देने के निमित्त बनता है? फिर ब्रह्मा कुमारियों ने क्या किया, उन्होंने क्या समझा कि हम देने वाले हैं? और महादेव जी की पूजा करें तब आप धतूरे क्यों चढ़ावे? छोटा सा फूल होता है, बदबू निकलती है। क्या फूल कैसा है? है छोटा सा फूल। किसे कहा जाता है फूल? माने क्या? और कांटा माने क्या? कन्या माताएं कांटा लगाती हैं या दुर्योधन दुशासन पुरुष कांटा लगाते हैं? कांटा कौन है? पुरुष कांटा है। और कन्याओं में तो पवित्रता होती है, होती है कि नहीं? तो वो फूल है। फूल दुखदाई होते हैं या सुखदाई होते हैं? फूल सुखदाई होते हैं। फूलों में कोई छोटे फूल कोई बड़े फूल, कोई छोटे फूल हैं फिर उनमें खूब सुगंध है, कोई छोटे फूल हैं बड़ी बदबू मारते हैं। तो आजकल की तो कलयुगी दुनिया है ना, इस कलयुगी दुनिया में मुरली में तो बोला है बाप बच्ची को नहीं छोड़ता, गंदा कर देता है। भाई बहन को गंदा कर देता है, मामा भांजी को गंदा कर देता है, चाचा भतीजी को गंदा कर देता है, घर घर में वैश्याले लगा पड़ा है। तो ऐसी छोटी छोटी कन्याओं को अगर गंदा कर देते हैं तो अक के फूल हो गई या सुगंधित छोटे फूल हो गई? है अक के फूल हो गई। वो अक के फूल शिव बाबा के ऊपर अर्पण होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? शिव बाबा मना कर, हम नहीं लेंगे, ये हमारे घरग्रस्त को बिगाड़ देंगी, हमारा बेहद का घरग्रस्त स्थापन हो रहा है, नई दुनिया बन रही है, स्वर्ग बन रहा है, मना कर देगा? है अरे भगवान मना कर देगा तो फिर कैसे उद्धार होगा? तो ऐसी अक के फूल जैसी आत्माएं भी ईश्वरीय ज्ञान में अर्पण हो जाती है। फिर धतूरे का भी गायन है। धतूरे में छेद कैसा होता है? इतना लंबा फिर छेद होता है। तो कन्याओं के लिए ऐसा फूल कहेंगे या माताओं के लिए कहेंगे? किसको कहेंगे? शादीशुदा को कहेंगे या गैर शादीशुदा को कहेंगे? शादीशुदा को कहेंगे। फिर अगर व्यभिचारी बन जाती है तो बदबू वाला फूल हो गया। धतूरे में बदबू आती कि नहीं? है विषैला फूल हो गया, उसका फल भी विषैला होता है, उसके बीज अगर चबा लो तो अचेत हो जाओगे। तो ऐसे फूल भी वो भी अर्पण होते हैं, उनको मना कर देंगे? है बाबा तो ऐसे फूलों के लिए भी कहते हैं कि बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी अगर इस यज्ञ में आ जाएं तो ईश्वरीय सेवा करने लग पड़े तो उनको पंख लग जावेंगे सेवा के। क्या बीमार धीमार ना हो, बीमार धीमार को लेकर के रख ले और फिर वो खटिया पर पड़ जाएं तो उनकी सेवा और करनी पड़ेगी? सेवा करेंगी हैं? हम भले बुढ़िया हो, चलती फिरती हो, हैं बातचीत करती हुई हो, हस्ती खेलती हो, क्यों नहीं सरेंडर करेंगे? तो तुम्हें समझ में नहीं आई बात, ये अक धतूरे क्यों चढ़ाए जाते हैं?
अब समझ में आ गई, अब पूरी आ गई। ये तो जयपुर वाली माता है तो बड़े होशियारी के प्रश्न पूछती है, है? और भरतपुर के पास की माता है, भरतपुर के पास की माता। हाँ, ज्ञान ज्ञान से भरपूर होके जाएंगी। और जल्दी जल्दी पूछे जाओ, दो पांच मिनट नहीं पूछा तो क्लास खत्म। में सीता माता के लव कुश बताए तो वे लव कुश ने हनुमान जी के किस के कारण बांध दिया है। लव कुश ने, लव कुश ने हनुमान जी बांध। अरे उन्हें तो बांधा, उन्हें तो अपने बाप से भी लड़ाई लड़ ली। तो फिर सो नहीं तुम्हारे दिमाग में आई, हनुमान जी तो फिर भी राम के दास थे। क्या राम तो उनके बाप थे, उनसे भी लड़ाई लड़ ली। तो जब बाप से ही लड़ाई लड़ी जा सकती है तो उनके नौकरों से नहीं लड़ाई लड़ सकते हैं, नहीं लड़ेंगे, उनसे भी लड़ाई लड़ेंगे। राजगद्दी दिखाते हैं, राजगद्दी दिखाते हैं, राजगद्दी का चित्र दिखाया है राम का है? तो उसमें दास दासी कर्म करते हुए कोई दिखाया गया कि नहीं? कोई पंखा जल रहा है, कोई चमर डुलाए रहा है, कोई छत्तर खड़े डुला छत्तर लेके खड़ा है, कोई पांव धो रहा है, देखा कि नहीं? तो दास दासी कर्म हो रहा है कि नहीं है? ऐसे दास दासी और हनुमान भी, वो भी दास दासी। लड़ाई क्यों लड़ी बच्चों ने बाप से? लवकुश ने लड़ाई क्यों लड़ी? वो आत्माओं के पार्ट की बात है या देह की बात है? आत्माओं के पार्ट की बात है। द्वापर युग में वही लवकुश वाली आत्माएं जब जाके जन्म लेती हैं इस्लाम धर्म में और क्रिश्चियन धर्म में, तो उन्हीं का नाम पड़ता है लव और कुश। कुश माने कुशा घास, कांटे वाली घास। क्या वही लवकुश है? और आजकल क्लोन से ही बनाने लग गए आदमी है, क्लोन से आदमी बन रहे हैं आजकल तो, जानवर आदमी सब। हाँ, तो देवता तो नहीं बन रहे? हाँ हाँ, कोई भी आत्मा है, जानवर हैं, राक्षस हैं, उनके क्लोन बना देते हैं, किसी को देवता तो नहीं बना देते। खून की तो वैसे ही कमी नहीं है, ना मनुष्यों की कमी है, ना राक्षसों की कमी है, ना खूंखार जानवरों की कमी है। वो बना दिया तो क्या बड़ा बड़ी बात कर दी? मनुष्य क्या बनाएगा? नरक बनावेगा या स्वर्ग बनावेगा? तो नरक तो वैसे ही बन रहा था, उसमें और वृद्धि कर दी। और बाबा अष्टदेवन में सब धर्मों की आत्माएं के व्यापक से, अष्टदेवों में अंतर है या नहीं है? एक दूसरे से अंतर है या नहीं है, या एक ही जैसे हैं सब? है, उनके पुरुषार्थ में, उनकी पद की प्राप्ति में, उनके नंबर में अंतर है या नहीं है? अष्टदेव जब कहे जाएंगे तो नंबर लगाए जाएंगे कि नहीं? पहला, दूसरा, तीसरा, सातवां, आठवां, ये नंबर अंतर होगा तो बनेगा या बिना अंतर के बनेगा? है, तो जो थोड़ा थोड़ा अंतर आता है लास्ट पुरुषार्थ में, लास्ट फिनिशिंग में, वो सामान्य को तो दिखाई नहीं पड़ेगा,
सामान्य पुरुषार्थियों को, भगवान उनको पहचानता है उस अंतर को। स्लाइट अंतर होता है, वो स्लाइट कमजोरी का जो बीज पड़ा हुआ है नीचे नीचे वालों में, अंतर है या नहीं? तो वही स्लाइट कमजोरी जो है वो ही उनको दूसरे धर्म का बाप बना देती है। कोई इस्लामी धर्म का बाबा बन जाएगा, इब्राहिम जब उतरेगा तो जिसमें प्रवेश करेगा उसका बाप बन जाएगा। बुद्ध आएगा, सिद्धार्थ में प्रवेश करेगा, उसका बाप बन जाएगा, शुद्धोधन बन जाएगा। तो वो सब धर्मों के बीज हैं। और फिर दोबारा बाबा वे जन्म ले लेंगे? जन्म जन्मांतर तो जन्म तो होते ही रहते हैं। यहाँ इस सृष्टि पर आने आकर के कोई वापस जाता है क्या? है स्वर्ग से नीचे उतरेंगे, नरक में आएंगे, तो नरक से क्या कोई सीधे चले जाएंगे ऊपर? यही नीचे गिरते रहेंगे। और है माताओं ने भेज दिया, बता तो दिया माताओं ने, अभी तो पूछा था। युगल तो परमिशन बिल्कुल नहीं देते हैं, तीनों के युगल ऐसे हैं, तीनों के हमारे, हम तीन माताएं बची हैं, हाँ, तो तीनों के युगल ऐसे हैं कि एक दूसरे को बस देखते ही बस भगना चालू करते। तो पैसे नहीं है घर में क्या? घर में पैसे नहीं है, है? तुम तो अर्धांगी नहीं हो, उनकी जेब में से निकाल लो। पैसे का क्या करेंगे? पैसे से उठाओ रिक्शा और दूसरी गीता पाठशाला में चली जाओ। जो दूर है वो 7 दिन में एक बार जाए, जो नजदीक है वो रोज रोज क्लास करें। युगल के एक दूसरे को किसी को नहीं आने देते हैं, इनके घर जाते हैं। युगल 24 घंटे घर में बैठे रहते हैं, झूठ बोलती है। तो फिर जिस समय वो दोपहर के समय हम लोगों को समय मिलता है, दोपहर के समय घर में सोए हुए होते सबके युगल हैं, तीनों के। अरे जिस समय घर में नहीं होते हैं उस समय तुम अपना काम जल्दी से पूरा कर करा के रात में अमृत वेले आओ, तब चले जाओ। बहाने बनाना बहुत आते हैं, कह दिया जिनको बंधन है, जिनको बीमारी है, जो दूर रहते हैं वो सप्ताह में 2 दिन जाएं, सप्ताह में 1 दिन जाएं, लेकिन रेगुलर तो बने। सप्ताह में 1 दिन जाएंगे तो भी रेगुलरिटी मानी जाएगी, उसमें भी पंक्चुअलिटी देखी जाती है कि टाइम से जाते हैं कि नहीं जाते हैं। बाबा जगदीश भाई का पास पड़ता है, इनके जा सकते हैं, नहीं जा सकते? जगदीश भाई, जगदीश भाई के घर में उनकी युगल चल रही है ज्ञान में? तो फिर बाबा कह रहे उनकी युगल जगदीश भाई की पूरी देखभाल करती है। फिर और कुछ नहीं होता है तो गीता पाठशाला वालों से महीने 2 महीने में जाकर के उनसे VCD तो ला सकते हो घर में। अरे क्या होता वो, कौन सा यंत्र होता है वो, है आईपॉड, हाँ आईपॉड जो होता है वो जेब में रख लो ब्लाउज के अंदर, है ले गया कान में लगाया, आए खट खट किया, कौन पकड़ेगा? ये झूठ खंड की स्थापना नहीं है, ऐसा करना झूठ खंड ने चोरी नहीं है। हाँ जी, ये सच खंड की स्थापना हो रही है।
चलो टाइम हो गया।